पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में स्थित नागौर जिले में एक शख्स ऐसा भी है जो साल में 300 दिन तक सोता है। उसका खाना से लेकर नहाना सब कुछ नींद में होता है। सुनने में भले ही ये अजीब लगता हो, लेकिन 42 साल के पुरखाराम अजीब बीमारी से ग्रसित हैं। चिकित्सकों के मुताबिक एक्सिस हाइपरसोमनिया का केस है। ऐसी बीमारी बहुत ही कम लोगों में मिलती है। ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। पुरखाराम एक बार सोने के बाद 25 दिनों तक नहीं जागते। इसकी शुरुआत 23 साल पहले हुई थी। नींद की बीमारी से ग्रसित इस व्यक्ति को ग्रामीण कुंभकर्ण भी कहते हैं। जानकारी के मुताबिक मामला नागौर जिले के परतबसर उपखंड के भादवा गांव से जुड़ा हुआ है। पुरखाराम की किराने की दुकान है, उसे महीने में मुश्किल से 5 दिन खोल पाते हैं। चिकित्सकों के अनुसार पुरखाराम को एक्सिस हाइपरसोमनिया नाम की बीमारी है। पुरखाराम के परिजनों के मुताबिक वह कई बार सोने के बाद 20-25 दिनों तक नहीं जागते। शुरुआती दौर में पुरखाराम 5-7 दिनों के लिए सोते थे, लेकिन उन्हें उठाने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ती थी। परेशान परिजन उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आई। धीरे धीरे पुरखाराम के सोने का समय बढ़ता गया। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए कि वह कई बार 25 दिनों तक सोते रहते हैं। चिकित्सक इसे दुर्लभ बीमारी बताते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति नींद से ग्रसित रहता है। एक दिन पहले रविवार को ही 12 दिन बाद पुरखाराम की नींद खुली है। नींद खुलते ही उन्होंने दुकान खोली। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने कड़ी मशक्कत कर उन्हें नींद से जगाया। पुरखाराम कहते हैं कि उन्हें दूसरी कोई दिक्कत नहीं है, बस नींद ही नींद आती है। वो खुद जागना चाहते हैं, पर उनका शरीर साथ नहीं देता। 2015 से उनको ये बीमारी ज़्यादा हो गई। पहले करीब 18-18 घंटे की नींद आती थी। धीरे धीरे इसका समय बढ़ता गया। अब तो अक्सर ऐसा होता है कि 20-25 दिन तक सोते ही रहते हैं। पुरखाराम के मुताबिक वो इलाज कराकर थक चुके हैं। अब सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया है। पुरखाराम ने बताया कि जब वो भूखे रहते हैं तो नींद नहीं आती। पुरखाराम ने यह भी बताया कि उनको लंबी नींद की बीमारी के बारे में पहले ही मालूम पड़ जाता है। एक दिन पहले ही सिर में दर्द होने लगता है। सोने के बाद उन्हें उठाना नामुमकिन हो जाता है। परिजनों ने नींद में ही खाना खिलाते हैं। अभी तक पुरखाराम की नींद का कोई इलाज नहीं मिला है, लेकिन उनकी माँ कवरी देवी और पत्नी लक्ष्मी देवी को उम्मीद है कि जल्द ही वो ठीक होंगे और पहले की तरह ज़िंदगी जीने लगेंगे। इस बारे में फिजिशियन कहते हैं कि ये हाइपरसोमनिया का केस है। ऐसी बीमारी बहुत ही कम लोगों में मिलती है। ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। बाकी यदि कोई पुराना ट्यूमर या हेड इंजरी रही हो तो उसमें भी ऐसी बीमारी हो सकती है। ऐसी बीमारी किताबों या मेडिकल साइंस में देखी है तो वो साइकोलॉजिकल ही देखी गई हैं। इस बीमारी का रोल आउट बनाकर उसका डायग्नोसिस करने से इसका इलाज संभव है।